इस टॉपिक का टाइटल है वायरशॉक लैब नंबर फोर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न हाउ टू अप्लाई ए फिल्टर ऑन ए होस्ट सबनेट और कॉन्वर्सेशन इन ए इन वायर शॉक जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है इन दिस टॉपिक दे बीन अडेप्टेड फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद्रबल शूटिंग विद वायर शॉक लोकेट द सोर्स ऑफ

अगर आप एक स्पेसिफिक क्लाइंट और एक सर्वर के दरियान जो कम्युनिकेशन हो रही है उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा यस वी नीड टू अप्लाई ए फिल्टर हम उस जो ट्रेस फाइल के अंदर जितनी भी ट्रैफिक जितने भी पैकेट्स हमने कैप्चर किए हैं उसके ऊपर एक फिल्टर अप्लाई करेंगे ताकि हम एक स्पेसिफिक क्लाइंट और एक स्पेसिफिक सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको कैप्चर करके एनालाइज कर सकें तो दिस फिल्टर कैन बी बेस्ड ऑन ए होस्ट एड्रेस इट कैन बी बेस्ड ऑन सबनेट एड्रेस और इवन ऑन ए कॉन्वर्सेशन हम क्या करेंगे हम एक्सट्रैक्ट एंड सेव करेंगे एक सिंगल कॉन्वर्सेशन के लिए कॉन्वर्सेशन को तो इसको कैरी आउट करने के लिए हम पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम क्या करते हैं इस लैब में आप इस ट्रेस फाइल जिसका नाम है टी आर डैश सी एन एन डॉट पी कैप एन जी इस फाइल को ओपन करें वाई में वाई में ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं स्टेप नंबर टू पे आते हैं ये जो ट्रेस फाइल है

जब कैप्चर किया कि सी एन एन डॉट कॉम के जो सर्वर्स हैं उनकी जो डी एन एस रेजोल्यूशन है उनके आई पी नई पी एड्रेस क्या हैं उनको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं उनको देखना चाह रहे हैं इस इसको एग्ज़ामिन करने के लिए आप क्या करें स्टेटिस्टिक्स में जाएँ शो एड्रेस रेजोल्यूशन में जाएँ तो हमें क्या नज़र आएगा हमें इस तरह की एक विंडो नज़र आएगी ये एक पार्शली उसको दिखाया गया ये एक लंबी सी विंडो होगी लेकिन उसका हमें पार्शली दिखाया गया है तो अगर आप देखें इसमें जो सी के जो सर्वर्स uh, हैं उनके जो आई पी हैं वो दिखाए गए हैं आई एड्रेस पहले है और दूसरे कॉलम में क्या है मशीन की आई है 157.166.224.32 और ये सी के सर्वर्स हैं तो जो सर्वर्स हैं इस ट्रेस फाइल में जो सी के जो सर्वर्स हैं उनकी जो uh, जो आई पी एड्रेसेज हैं वो दे आर बिगिनिंग विद 157.166 के साथ शुरू हो रहे हैं अब आप क्या करें जब आपने उस विंडो को खोला उसको क्लिक ओके okay करें ताकि उस एड्रेस रेजोल्यूशन विंडो को क्लोज कर दिया जाए तो वाय शॉक क्या करेगा उस एड्रेस रेजोल्यूशन विंडो को क्लोज कर देगा अब हम स्टेप नंबर थ्री में क्या करते हैं फिल्टर अप्लाई करते हैं और ये जो फिल्टर है ये हम एंटर करते हैं आई पी डॉट एड्रेस विच इज ए डब्ल डी आर इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन फिफ्टी सेवन 0.166.0.0/16 जब आप इसे फिल्टर एरिया में अप्लाई करते हैं डिस्प्ले फ़िल्टर एरिया में तो आप क्या करते हो आप आपको अप्लाई का बटन प्रेस करना पड़ेगा जब आप अप्लाई का बटन प्रेस करते हैं तो ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा तो इस ट्रेस फाइल में जो इतनी सारी पैकेट्स हमने कैप्चर किए थे उनमें से अब क्या होगा वो सारे पैकेट्स जिनका आईपी एड्रेस ये ये है उनको वो शो कर देगा तो हमारा जो आ, फिल्टर अप्लाई करने के बाद जो स्टेटस बार है वो इंडिकेट कर रहा है दर आर 360 सिक्सटी पैकेट्स विच मैच दिस फिल्टर दिस लिस्ट ऑल द कॉन्वर्सेशं टू एंड फ्रॉम द सी एन एन डॉट कॉम सर्वस तो अगर आप देखें इस डायग्राम में तो वो जो फिल्टर है उसके अंदर हमने क्या किया ये एक्सप्रेशन लिखी और कौन सा बटन प्रेस किया अप्लाई का बटन प्रेस कर दिया तो अगर आप देखें फिल्टर के अगेंस्ट एक्सप्रेशन क्लियर अप्लाई सेव तो अप्लाई का जो बटन है उसका कलर क्या है डिम है तो वो अप्लाई कर दिया हम लोगों ने उसको अप्लाई करने के बाद जो सारी ट्रेस फाइल थी उस उसमें से जितने भी सी के जो सर्वर्स थे उनके पैकेट्स डिस्प्ले हुए और वो कितने हैं देर आर थ्री सिक्सटी सच पैकेट्स विच इज़ अबाउट सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ द ट्रेस फाइल जब हमने पैकेट इतनी ट्रैफिक में से सिर्फ एक चंक ऑफ पैकेट्स को निकाल लिया उसके बाद हम क्या करते हैं स्टेप नंबर फोर में आप कह रहे हैं सेलेक्ट एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड पैकेट्स जब आप क्या करेंगे फ़ाइल एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड पैकेट्स तो जो स्पेसिफाइड पैकेट्स हैं अगर आप इनको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं किसी फाइल के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं तो फाइल पे जाएं एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड पैकेट्स पे जाएं तो उसके बाद क्या नजर आएगा द डिस्प्लेड रेडियो बटन इज सिलेक्टेड बाई डिफॉल्ट शोन नेक्स्ट आप क्या करें अपने ये जो ट्रैफिक है वो जो ट्रेस फाइल में से ये जो सबसेट ऑफ द ट्रैफिक है इसको हमने जो एग्जामिन करना है हम इसे एक सेपरेट फाइल में स्टोर कर सकते हैं तो हम एक एक, एक, फा, एक फाइल लेते हैं एक फ़ाइल का नाम है टी आर डैश सी एन एन ट्रैफिक डॉट कैप एन जी ये ऑप्शनल नेम है आप कोई भी नाम रख सकते हैं उसमें हम इसको नाम देते हैं और क्लिक करके सेव कर लेते हैं हमने इस डायग्राम में इस प्रोसीजर को शो किया गया है तो वो जो सी एन एन डॉट कॉम के जो सर्विस जिनमें से इन्वॉल्व थे आपने क्या किया उनको सेव करने के लिए यहाँ पे आए तो डिस्प्लेट का जो है वो डिफ़ॉल्ट सेक्टेड था रेडियो बटन और इसमें ऑल पैकेट्स कितने पैकेट्स थे 360 सिक्सटी पैकेट थे जहाँ पे सी के सर्विस इन्वॉल्व थे उनको हमने क्या कर सकते हैं एक और ट्रेस फाइल में सेव कर सकते हैं स्टेप नंबर फाइव इस लैब का जो इस लैब का जो स्टेप नंबर फाइव है उसमें हम क्या करते हैं वी कैन ऑल्सो यूज राइट क्लिक मैथड टू अप्लाई ए डिस्प्ले फिल्टर टू ए सिंगल कॉन्वर्सेशन अभी तो हमने क्या किया था वो जो फिल्टर डिस्प्ले एरिया था उसके अंदर एक एक्सप्रेशन रखा और फिल्टर को अप्लाई कर दिया अब हम क्या करने जा रहे हैं हम एक पैकेट को कैप्चर करते हैं और उसका राइट क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं फिल डिस्प्ले फ़िल्टर करके अप्लाई करके एक सिंगल कॉन्वर्सेशन के ऊपर काम कर सकते हैं सो लेट्स डू दिस ऑन पैकेट नंबर थ्री इन दिस पैकेट पैकेटलेस पेन जो पैकेटलेस पैन में हमने पैकेट नंबर थ्री के ऊपर अप्लाई करते हैं क्या करते हैं पैकेट नंबर थ्री को सिलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद आप राइट right क्लिक करें राइट right क्लिक करने के बाद क्या करें कॉन्वर्सेशन फिल्टर स्लैश टी को ऑन कर दें जब आप इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि 55 पैकेट्स अपेयर होते हैं उस पूरी ट्रेस फाइल में से फिर अगर आप इन 55 पैकेट्स को स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें फाइल में जाएं एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड पैकेट्स में जाएं कोई भी नाम ऑप्शनल रख सकते हैं वो नाम दें और सेव ए, क्लिक किस पे करें सेव को क्लिक कर दें और आपके ये जो पैकेट्स हैं फिफ्टी फाइव हैं ये भी एक और फाइल में सेव हो जाएंगे स्टेप नंबर सेवन में हम क्या करते हैं क्लिक द क्लियर बटन टू रिमूव योर डिस्प्ले फ़िल्टर अब ये जो हमने इस टॉपिक में देखा कि हम लोगों ने क्या किया कि हमने जो अनरेटेड ट्रैफिक थी उसको अवॉइड कर दिया उसको फिल्टर आउट कर दिया और जो पोटेंशियल डिस्ट्रेक्शन थी उनको भी हमने अनालिस से निकाल दिया ये अनालिसिस को क्या करता है अन रिलेटेड ट्रैफिक और जो पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शनस हैं ये आपको अनालिस को आसान बनाते हैं और मोर कन्वीनियंट बना देते हैं सो देअर फॉर सेविंग द ट्रैफ़िक फ्रॉम एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन टू ए सेपरेट ट्रेस फाइल तो हमने क्या किया एक सेपरेट ट्रेस फाइल में भी अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि हमने फिल्टर कैसे अप्लाई करना है बहुत सारे पैकेट्स कैप्चर हो रहे हैं लेकिन हमारे जो वो वो पैकेट्स जो हमारी इंटरेस्ट में है उनके ऊपर हमने फिल्टर कैसे अप्लाई करना है ये हमने देखा